महर्षि वाल्मीकि की जयंती पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और जिला बिलासपुर के अंदर भी पांचों मंडलों में जो है महर्षि वाल्मीकि की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और इसी संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल श्री नैना देवी जी की लोर की तरफ से रेस्ट हाउस नैना देवी में इस जयंती का कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि जी के जीवनी के बारे में प्रकाश डाला गया। मैं अपनी तरफ से जिला अनुसूचित जाति मोर्चा बिलासपुर की तरफ से सभी बिलासपुर की समस्त जनता का और हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता को और राष्ट्रीय स्तर पर सभी को जो है हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। और श्रद्धे मोदी जी के द्वारा जो हमारे समाज के ऋषि महर्षियों को जो है जयंतियां और उनकी पुण्य निर्माण तिथियों को मनाने का जो संकल्प लिया गया है और जो प्रदेश में अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से जो आह्वान किया गया था कि पूरे हिमाचल प्रदेश में हर मंडल में जो है ये जयंतियां आयोजित की जाए और उसी संदर्भ में आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मंडल से आयोजित की जा रही है। हमें अपने इस ऋषि महर्षियों के ऊपर बहुत फख्र भी होता है और गर्व भी होता है जिनके द्वारा समाज को सतमार्ग पर ले जाने के लिए और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा महाकाव्य रामायण की जो रचना की गई जिसमें प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया है और इस महाकाव्य को जो है संस्कृत भाषा में उनके द्वारा लिखित किया गया है। इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक हैं और 1,000 श्लोक के बाद जो संपुट है और गायत्री मंत्र का संपुट उसमें लगाया गया है। 7 खंड हैं, कांड हैं, उनके द्वारा अलग अलग भागों के द्वारा जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा अलग अलग जो समाज के अंदर प्रजाधर्म क्या होता है, राजधर्म क्या होता है और अपने पिता के प्रति प्यार स्नेह के द्वारा जो उनका आदेश था उनको किस प्रकार 14 वर्ष के वनवास पे जाकर उनको काट कर जो है फिर जो है अयोध्या में आकर जो है प्रभु श्री राम जी ने अपना प्रजा का जो है मान सम्मान किया, उनकी सेवा की, उस आचरण को देखते हुए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तो ये सब और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जिस प्रकार माता सीता जी का आश्रम में रक्षा की गई और उनके जो भगवान श्री राम जी के 2 पुत्र लव और कुश थे उनको उनके द्वारा किस प्रकार शिक्षा दीक्षा दी गई और किस प्रकार से उनको जो है लालन पालन करके बड़ा किया गया, तो ये दर्शाता है कि हमारे समाज के अंदर पहले भी जो है समानता और समरसता थी और उस समानता और समरसता को बनाए रखने के लिए मैं आज समाज से भी आग्रह करूंगा कि जो हमारे समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं उनको जड़ से उखाड़ने का हम सब प्रयत्न करें और सबका सहयोग के बगैर ये संभव नहीं हो पा सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध कि महर्षि वाल्मीकि की जयंती जो आज प्रभुत्व दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं इसका आज हम सब प्रण लें कि जो हमारे समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं उनको जड़ से उखाड़ कर जो है फेंकें और अपने समाज के अंदर समरसता स्थापित करें, समानता स्थापित करें, मानव मानव को लोगे प्यारा, नर सेवा नारायण सेवा, इस ध्येय को साथ लेते हुए हम आगे बढ़ें। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।